हाउ डू मोदी। जी हाँ, इस कार्यक्रम की चारों तरफ धूम है। अमेरिका में जैसे ही पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी जगह पर लोग उन्हें बस देखने के लिए टीवी स्क्रीन ऑन कर बैठ गए। जो जहां है वहीं से बस देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवे। आखिर कैसे रहे जलवे और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपनी वाक्पटुता का बिखेरा रंग, ये हम आपको दिखाएंगे अपनी एक रिपोर्ट के जरिए और बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए पूरी दुनिया पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके पहनावों कैसे थे और कैसे वो दिख रहे थे, ये देखने का आपका मन हो रहा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही ऐसे इंसान के रूप में दिख रहे थे जो बिल्कुल मर्यादा में हो और बिल्कुल हर चीज को एक साथ साध कर, चाहे वो बातें हो या फिर पहनावा हो, हर चीज उनकी लाइफ स्टाइल जब आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ऐसे नहीं, दुनिया वाह वाह कहती है। जब किसी में कुछ खास होता है तभी पूरी दुनिया में उसके चर्चे होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंचे अमेरिका और हाउडी मोदी कार्यक्रम को जब वो संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे वो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अमेरिका में और पूरी दुनिया में आज टीवी स्क्रीन पर लोग सब जुड़े हुए हैं और अपने भारत के उस प्रतिनिधि को देख रहे हैं जो कि भारत का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और जैसे स्वामी विवेकानंद ने जीरो पर अपनी बात कहकर सबको मोहित कर लिया था, ऐसा ही लग रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। लाइफस्टाइल ऐसी चीज होती है, औपचारिकता और व्यवहार, सम्मान, तमाम चीजें बहुत बड़ी चीज होती हैं। तो चलिए इन्हीं सबको समेटे हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। हाउडी मोदी कार्यक्रम की यूं धूम मची कि जुसे देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जी हाँ, चारों तरफ मोदी के नाम का जलवा और ये जलवा यूं ही बरकरार रहा। जी हाँ, यही जलवा सब देखकर दंग रह गए। हाउडी मोदी कार्यक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब कारोबारी मोर्चे पर हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच काफी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन वो अब सब मिलजुल गया है, सब कुछ ठीक हो चुका है ऐसा लगता है। पिछले दिनों जब भारत ने कई अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इसके विरोध में उतर आए। दूसरी तरफ भारत को कश्मीर के मुद्दे पर अपना प्रभाव जाहिर करना है। तो इस तरीके से अमेरिका के ह्यूस्टन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर तमाम बातें की तो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और लोगों ने सब बातें सुनी और इससे भी पहले उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था। अमेरिकी सरकार के अधिकारी और सांसद वहां मोदी की अगवानी करने पहुंचे थे। अमेरिकी दौरे के अगले पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क भी जाने वाले हैं, जहां से वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने स्वागत किया और मोदी बेहद ही अच्छे लिबास में बहुत ही संजीदा लग रहे थे और उनकी जो भव्यता थी वो अपने आप में देखने लायक थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग स्थानीय समय के अनुसार पहुंच चुके थे। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हजारों भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा लगभग 60 अमेरिकी सांसद भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, भारत से प्यार करने वाले हमारे समुदाय से मिलने का इंतजार कर रहे थे और मिल लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ही इसका जवाब दिया, बोले आपसे मुलाकात का इंतजार है और सचमुच में ये इंतजार खत्म हुई। सबसे पहले गुरवाणी, दक्षिणी भारतीय कार्यक्रम, एकला चलोरे, गुजराती गरबा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ गुरुवाणी और दक्षिण भारतीय कार्यक्रम और एकला चलो, इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान भी हुआ, नेशनल एंथम भी गाया गया और इस नेशनल एंथम में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। सब लोग उठकर खड़े हो गए और
इसके साथ ही बड़े ही सम्मान के साथ इस गाने को गाया, इस गीत को गाया जो हमारे राष्ट्र को संबोधित करती है, जो हमारे राष्ट्र के लिए है। हाउडी मोदी कार्यक्रम, जितने भारतीय वहां पर थे वो सब आने की पूरी तरीके से कोशिश कर चुके थे और जितने लोग पहुंच पाए वो सब पहुंचे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने पहुंचने की कोशिश की थी। और पहुंचने के बाद हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफ़ी अहम है और इस कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। इस कार्यक्रम के लिए रणनीति भी तैयार की गई थी और जिस स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ था उस स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हाउडी मोदी कार्यक्रम में कारोबारी पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को चूम लिया, किसी ने फूल दी तो किसी ने बधाई दी और इस तरीके से बधाइयों का खूब सिलसिला चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके के ड्रेसअप पहने थे, क्रीम कलर के कुर्ते में, बेहद ही अच्छे लग रहे थे और उनका जो ये चेहरा आप देखते कि कैसे उनका चेहरा पूरे कॉन्फिडेंस से खिल रहा था। हाउडी मोदी कार्यक्रम को देखने के लिए सभी पहुंचे थे और उस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। सबसे ज़्यादा कारोबारी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जो कुछ कदम उठाए हैं उसको लेकर उनकी ढेर सारी शुभकामनाएँ वो देने के लिए पहुँचे थे। कई लोग अपने घर परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। ह्यूस्टन अमेरिका में उन शीर्ष 10 शहरों में शामिल नाम बताया जाता है जहां भारतवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में रह रहे भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग ह्यूस्टन के कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं। समुदाय के मुताबिक ये कार्यक्रम दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं। रिपब्लिकन हिंदू कॉलिशन के सुलभ कुमार भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और तमाम लोग वहां पर पहुंचे और सब ने अपने दिल की बात कहनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, वैसे ही मोदी मोदी के नारे से चारों तरफ गुंजायमान हो गया। और जिस स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, बेहद ही खूबसूरत वो कार्यक्रम है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर भी पहुंचे थे जिन्होंने वहां पर पहुंचने वाले तमाम लोगों का स्वागत किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा लगभग 60 अमेरिकी सांसद भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को बेहद खूबसूरत बनाया। ये जो मेगा शो था ये बहुत ही भव्य था, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया था। एनआरजी को, एनआरजी फुटबॉल का स्टेडियम है जहां पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाउडी मोदी कार्यक्रम के बारे में बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। दरअसल दक्षिण पश्चिम अमेरिका में हाउडी शब्द अभिवादन के लिए यूज़ होता है जिसका मतलब होता है हाउ डू यू डू, जिसका अर्थ हिंदी में होता है आप कैसे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए यहां पर पहुंचे और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के लिए तमाम लोग एयरपोर्ट के पास झंडा लेकर खड़े थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे और 50,000 से ज़्यादा भारतीय अमेरिकी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसके अलावा पूरी दुनिया ने, किसी ने वेब पर तो किसी ने टीवी पर इस कार्यक्रम को देखा। ह्यूस्टन जाने का जो सिलसिला था खूब था और मोदी का विमान 2 घंटे तकनीकी ठहराव के लिए फ्रैंकफर्ट में रुका था और जर्मनी में भारतीय दूत मुका तोमर और महावाणिज्य दूत प्रतिभा पारकर ने उनकी अगवानी की थी। हम आपको बता दें कि तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे और तीसरा ये बड़ा कार्यक्रम है अमेरिका में। इससे पहले 29 सितंबर 2014 में मोदी मेडिसिन स्क्वायर और 27 सितंबर 2015 को सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम में नजर आए थे और इस बार 22 सितंबर को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी मेगा शो में शामिल हुए। मोदी के स्वागत में यहां पर स्पेशल व्यंजनों की भी तैयारी की गई थी और नमो थाली तैयार की गई थी जिसमें श्रीखंड, खीर, गुलाब जामुन भी थे। इस थाली को इस तरह से तैयार किया गया था जिससे कि वो अमेरिका में भी भारत जैसा अनुभव कर सके।
सकें। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती के लिए इसे बनाया गया था और इस कार्यक्रम के तहत दोनों देशों के संबंधों, संस्कृति और व्यापार पर भी चर्चा हुई। पोप को छोड़कर किसी निर्वाचित विदेशी नेता के अमेरिका दौरे पर लोगों का ये सबसे बड़ा जमावड़ा है और इस जमावड़े में काफी संख्या में लोग पहुंचे और इसे खूबसूरत बनाया। हम आपको बता दें कि भारतीय राजदूत हर्ष बी श्रृंगला ने अपनी टीम के साथ सुबह एनर्जी स्टेडियम में तैयारियों का मुआयना किया था और यादगार बनाने के लिए 15,000 से अधिक स्वयंसेवक दिन रात इसमें काम कर रहे थे और स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए यहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे कामों को अंजाम दिया गया था। आयोजकों ने बहुत ही मेहनत की थी और ये कार्यक्रम हुआ सुपर डुपर हिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाएं और वो कार्यक्रम अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस कार्यक्रम से भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनमें बेहद खुशी है। नेक्स्ट नाइन लाइव के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो नेक्स्ट नाइन लाइव का मकसद बस यही है कि हम आपको बताएं कि जैसे हमारे महापुरुष हैं, कैसे वो रहते थे, कैसे वो संयमित रहते थे और संयमित होकर खाते पीते थे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे, बोल चाल हर चीज़ पर ख्याल रखते थे। बिल्कुल, हमारे लाइफ में हर चीज़ बहुत ही कीमती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सिंबल है उससे देखिए कि कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसे वो शालीनता के साथ रहते हैं, वो दर्शाता है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में जब वो गए और वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से इस कार्यक्रम को संबोधित किया और कैसे लोगों ने देखा जलवा, तो ये जो जलवा है यूं ही बरकरार रहे, क्योंकि जो लोग उस शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उसके नीचे बहुत सारा मेहनत करके जाते हैं। तो हम सभी को अपने जीवन में बहुत सारा मेहनत करना चाहिए, तभी जाकर फल मिलेगा, क्योंकि सफलता एक दिन की नहीं होती है। बहुत ही वक्त से लोगों को अपने सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है दोस्तों। तो चलिए हम सब जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आज से, अभी से ये प्रण लें और आगे बढ़ें। तो फिलहाल नेक्स्ट लाइन लाइव के इस कार्यक्रम में शशि प्रिया को दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट लाइन लाइव, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।